हेलो बच्चों, 5.6 का ये आखिरी क्वेश्चन है। आप लोग अंतिम तक ये वीडियो देखेंगे, 100% आपको समझ में आएगा ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, क्या करना है मुझे, dy by dx इक्वल टू प्रूफ करना है, इक्वल टू में लाना है माइनस y by x। हाँ, ध्यान से देखें, x बराबर ये दे दिया है, y बराबर ये दे दिया है, क्लियर। मुझे क्या प्रूफ करना है, dy by dx बराबर माइनस y by x। देखो बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पर दिया है x इक्वल टू रूट अंदर a के पावर साइन इनवर्स t, a के पावर कॉस इनवर्स t। क्या करना है, रूट को हटाना चाहते हैं तो पावर हाफ करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं आप लोग a के पावर 1/2 साइन इनवर्स t, इधर भी रूट हटाना चाहते हैं a के पावर 1/2 कॉस इनवर्स t, क्लियर। इधर x इक्वल टू में, इधर y इक्वल टू में है। क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लगा देते हैं। क्या लगाएंगे बच्चों, लॉग। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो लॉग एक्स, यहां भी लगा देंगे तो लॉग ए के पावर 1/2 साइन इनवर्स टी। फार्मूला पता होगा आपको, लॉग एम के पावर एन, क्या हो जाएंगे, एन लॉग एम, पता है, लॉग एम के पावर एन बराबर एन लॉग एम। तो देखो ये जो देखते हैं ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएंगे क्या है, एन है। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और यहाँ पर क्या है बच्चों, लॉग एक्स, क्लियर। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, dx/dt। हम पिछले क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे बताएं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, ये तो कॉन्स्टेंट है लॉग ए, तो इसको ऐसे छोड़ दो। तो यहाँ पर वेरिएबल यही वाला पार्ट है, 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो ये भी इधर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/2 लॉग ए, ऐसे रहेंगे, और डी साइन इनवर्स टी नीचे में क्या हो जाएंगे बच्चों, dt। एक स्टेप और लिख लें, यहाँ क्या बच्चों, 1/x इंटू dx/dt 1/2 लॉग ए। बच्चों आपको पता होगा ना, डी साइन इनवर्स एक्स बाई dx, तो साइन इनवर्स एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या होता था, 1/√1 − x²। अगर यहीं पे कॉस इनवर्स एक्स होता तो यहाँ -1 लगा देते, ये आपको पता होगा। लेकिन टी है तो टी को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/√1 − t², क्लियर। अब देखो बच्चों ये क्या है, एक्स, एक्स क्या है जल्दी बताओ, डिवाइड में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाइड में, तो क्या जाएंगे, dx/dt ऊपर चला जाएगा वहाँ पे, ये लॉग ए है ये पहले से, यहाँ पर लिख लो एक्स लॉग ए नीचे में 2 1 − t², क्लियर। इधर चले, दोनों साइड लॉग लगा दो, यहाँ पे भी लॉग वाई लॉग ए के पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी, वही लॉग एम के पावर एन, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 1/2 कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, यहाँ पर क्या है बच्चों, लॉग वाई, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्या हो जाएंगे बच्चों, 1/y dy/dt, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है तो ये सी रह जाएंगे, 1/2 लॉग ए, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे d cos इनवर्स t नीचे dt, 1/y dy/dt 1/2 लॉग ए सी कॉस इनवर्स टी का क्या हो जाएंगे बच्चों, −1/√1 − t², y डिवाइड में साइड चेंज करेंगे मल्टीप्लाइड में dy/dt, तो हो जाएंगे यहाँ पर ये एक साथ मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो y log a माइनस लगाया तो माइनस दे दो 2 1 − t²। देखो बच्चों ये जो y था ना डिवाइड में, तो डिवाइड का साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाइड हो जाता है, क्लियर। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, ये प्रूफ करना है, dy/dx − y/dt, क्लियर। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लो dy/dx बराबर, लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dy/dt नीचे में अपॉन dx/dt, dy/dt का वैल्यू यहाँ पे बच्चों देख लो यही ना है, यहाँ पर लिख लो −y log a डिवाइड में 2 1 − t², क्लियर। अच्छा,
तो ये डी वाई बाई डी टी का वैल्यू था, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू देखो बच्चों यही है, यही ना है। अब देखो ऑलरेडी से ये बट्टा वाला पार्ट है, अब बट्टा के पार्ट में क्या है, इसको मुझे बट्टा में रखना है, तो बट्टा के बट्टा प्लट करके क्या हो जाएगा, गुना। बट्टा के बट्टा प्लट करके क्या हो जाएंगे, गुना। तो ये बट्टा ऑलरेडी है तो प्लट दे इसको, तो पलटिंग हो जाएगा टू वन माइनस टी स्क्वायर, नीचे में एक्स लॉग ए, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, टू से ये वाला पार्ट कैंसिल, क्या बच गया बच्चों, माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। ये क्या था बच्चों, एल एच एस था। आया समझ में, आप लोग को समझ में आया? तो इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।